नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आप इंट्राडे में यूज कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो, पोजिशनल में यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्राडे में बता देता हूँ, ये इंडिकेटर है दोस्तों, इसका नाम है OCC स्ट्रेटेजी RS5। OCC का मतलब ओपन क्लोज क्रॉस ओवर, और नीचे जो मैंने लगाया है ओपन क्लोज क्रॉस अलर्ट्स RS6 है, R6 है, और इसका नाम है OCC स्ट्रेटेजी R5 जो ऊपर लगाया है। और नीचे वाला जो ये OCC अलर्ट R6 है ना, ये दोस्तों सेम RSA अपना जैसे काम करता है ना, वैसे ये करता है, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट अपने को दिखाता है दोस्तों ये। तो दोस्तों, अभी इसको मैं अपने को ट्रेड कैसे करना, जब ट्रेड दोस्तों जब करना अपने को, ये सिग्नल जो होता ना, जैसे दोनों का सिग्नल अपने को मिल रहा है ग्रीन में, तो यहाँ पे अपने को बाइंग का एंट्री लेना है। सपोज यहाँ पे आपको ग्रीन का मिल गया और यहाँ पे भी आपको ग्रीन का मिल गया, तो यहाँ पे एंट्री ले लीजिए, है ना। और जब तक ये इसके ऊपर रहता है आप बने रहिए, और नीचे का जो सेम ऐसे ही है दोस्तों, वापस यहाँ पे सपोज रेड मिला, आपको नीचे भी रेड मिला, तो यहाँ पर आप सेलिंग साइड में हो जाइए, जब तक नीचे रहता है तब तक सेल साइड में बैठ रहिए, है ना। ये देखिए कितना यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया, यहाँ तक बैठ रही है। देखिए जब तक ये वापस ग्रीन होके ऊपर नहीं जाता तब तक अपने को इसमें, देखिए यहाँ पे ग्रीन दे दिया, लेकिन दोस्तों ऐसी जगह में आपको ट्रेड नहीं करना है, छोड़ दीजिए उसको, है ना। जहाँ पे कंसोलिडेट टाइप का लगता है ना आपको, वहाँ पे छोड़ दीजिए, आप एंट्री नहीं लेना अपने को। वापस अपने को एंट्री लेना दोस्तों, देखिए यहाँ पे सेम साइज दिख रहा, वहाँ पे भी रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ पे भी रेड कलर का दिख रहा है, तो ये सेलिंग का अपने को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ से एंट्री लिया होगा तो इतना आपको प्रॉफिट मिल गया है। और इसमें स्टॉप लॉस कैसे रखना है दोस्तों, सपोज आपने यहाँ पे एंट्री लिया होगा इसी कैंडल पे जो सिग्नल दे रहा है ना, ये बड़ा वाला कैंडल, तो आप इसका जो है ना, ये वाला इंडिकेटर, इसका आपका हाई का स्टॉप लॉस रख लीजिए। और यहाँ पे एंट्री लिया होगा तो आपने देख लिया, यहाँ पे टारगेट मिला होगा अपना लगभग। इस स्ट्रेटेजी का ये रूल्स है कि दोस्तों, आप 1 रुपये का अगर स्टॉप लॉस रखते हो ना, तो आप 1.5 रुपये का टारगेट रखिए इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से, क्योंकि ये इतना ही आपको अच्छे से कमा के देगा। अगर ज़्यादा लालच करोगे ना, तो वापस ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, है ना दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पे आपने को वापस ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन मिला, यहाँ पे ग्रीन मिला, तो यहाँ पे बाइंग का सिग्नल दिया इसने, देखिए। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया, अभी या तो एंट्री ले नहीं सकते अपन, अगर स्विंग ट्रेडिंग वाला हो तो वो ले सकता है ना। अभी आगे देखते हैं अपन, तो ये तो इधर ही चला हुआ, तो ऐसा मैं आपको बाई साइड में ही दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दिया इसने सिग्नल, देखिए यहाँ पे ग्रीन, और यहाँ पे भी ग्रीन, यहाँ पे लिया होगा तो इतना बड़ा मिल चुका अपने को, है ना। और सेलिंग साइड में बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों ये, सेलिंग साइड में तो दबा के आप इसमें पैसा कमा सकते हो। मैं सपोज यहाँ पे आपको कहीं दिखाता हूँ एंट्री, यहाँ पे नहीं, ग्रीन आ गया, यहाँ पे भी अपना काम नहीं करेगा, ये सेलिंग साइड में अच्छा देता है दोस्तों। यहाँ पे लगभग मोस्टली सेम मिल रहा है अपने को, यहाँ पे ये ग्रीन कलर मिला है और यहाँ पे ग्रीन कलर मिला है अपने को, तो यहाँ पे एंट्री लिया होगा तो दोस्तों कहाँ पर ले हो गया आपने, सपोज इस हाई के ऊपर एंट्री लिया होगा तो स्टॉप लॉस कहाँ पर, या छोटा ही रखना, पूरा नहीं रखना, इतना लिया होगा तो आपको 1:2, 1:1.5 का ही है दोस्तों अपना टारगेट इसमें, और इतना अपने को इजी सी मिल जाता है दोस्तों। ये तो हो गया इंट्राडे का। अभी मैं आपको बताता हूँ स्विंग ट्रेडिंग में, तो इसके लिए मैं टाइम फ्रेम आपको डेली का कर देता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, अगर बाय चांस इसने यहाँ पे आपको बाइंग का सिग्नल दिया था, यहाँ पे लगभग यहाँ पे आपको बाइंग का सिग्नल मिला इसमें, और आपने अगर यहाँ पे लिया होगा तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख के देखिए आपका टारगेट, है ना, इतना बड़ा टारगेट मिल गया हो। यहाँ वापस ग्रीन में, रेड में, या सॉरी रेड में आके इतना, देखिए रेड में चला है, लेकिन यहाँ पे रेड में आके वापस ग्रीन में आ गया, तो अपने को क्या करना, अगर सपोज यहाँ तो प्रॉफिट बुक कर लिया, वापस लेना हो तो इसमें क्या ऊपर रहता तब तक बाय ऑन डिप्स में ही रहना दोस्तों। जब तक इसके ऊपर रहता है ना OCC स्ट्रेटेजी के ऊपर, जब तक मार्केट या स्टॉक रहता है, अपने को बाय ऑन डिप्स में ही रहना दोस्तों। और जब सेलिंग दिखाएगा ना, तो दोनों का सिग्नल सेम होना, तब भी आपको सेलिंग में दिखाना जाना, नहीं तो नहीं जाना। अभी देखिए यहाँ पे लगभग सेम मिला अपने को, यहाँ पे तो यहाँ पे आपने एंट्री लिया होगा, यहाँ पे देखिए अपने को क्या करना दोस्तों, ये सपोज यहाँ पे दोस्तों इसने क्रॉस ओवर नीचे की साइड में किया और यहाँ पे सिग्नल मिला, तो आप यहाँ तक तो एंट्री ले सकते थे इसमें, यहाँ तक आ,
ये इंडिकेटर दोस्तों आपको आरएसए की तरह ही इंडिकेट करता है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, जो इसका नाम है ओसीसी अलर्ट R6, सेम ऐसे ही काम करता है दोस्तों आरएसए की तरह। अब यहाँ पे आपने को सपोज यहाँ पे देखिए, इसने दोनों का सिग्नल अपने को सेम मिला दोस्तों, यहाँ पे देखिए है ना। लेकिन अपने को क्या करना है, ये क्रॉस करके ऊपर गया तभी एंट्री लेना, तो वापस इतना बड़ा प्रॉफिट ले लिया होगा। वापस यहाँ पे रेड दिखाया लेकिन यहाँ पे नहीं आया, देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर में ही है दोस्तों ये इंडिकेटर। इसलिए देखिए यहाँ पे अपने को रेड कलर दिखाया ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये जो ओसीसी स्ट्रेटेजी, यहाँ पे रेड नहीं है, यहाँ पे ग्रीन ही है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे वापस बाय करना है, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रख के वापस इतना बड़ा टारगेट ले लिया। अभी देखिए यहाँ पे लगभग इसने इंडिकेट करना चालू कर दिया दोस्तों, यहाँ पे कि भाई मार्केट नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे तो वापस इतना नीचे आके थोड़ा ऊपर जाके फिर वापस अभी तक नीचे ही चल रहा है। दूसरा रूल्स है दोस्तों, ये जो है ना, ये जो इसमें गैप रहता है ना स्ट्रेटेजी के अंदर जो, ये ना जब यहाँ पे एकदम पतला एक लाइन में हो जाता है तो समझ लेना कि दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और देखिए ऐसा ही हुआ, यहाँ पे जैसे पतला हुआ इसके ऊपर गया, यहाँ से देखिए ट्रेंड रिवर्सल हो गया पूरा का पूरा। और यहाँ पे वापस रिवर्सल हुआ तो देखिए यहाँ पे एकदम पतला हो गया, यहाँ पे देखिए उसके बाद में अभी तक ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। जब तक ये ग्रीन कलर में नहीं आता तब तक बाई साइड में नहीं जाएंगे अपन, तब तक सेल ऑन राइज का ही है। ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, है ना। अब चलिए दोस्तों इसका सेटिंग के बारे में बातचीत कर लेते हैं, सेटिंग कैसे होता है। तो दोस्तों एक बार मैं इसको हटा लेता हूँ पूरा का पूरा, और फिर आपको मैं इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ। तो इंडिकेटर लगाने के लिए दोस्तों आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में आपको टाइप करना है दोस्तों ओपन क्लोज क्रॉस, ये स्ट्रेटजी आगे देखिए ओपन क्लोज क्रॉस स्ट्रेटेजी R5, इस पर आप क्लिक करिए। और दूसरा अपना है दोस्तों ओपन क्लोज क्रॉस अलर्ट RA6, ये देखिए यहाँ पे ओपन क्लोज क्रॉस अलर्ट RA6 बाय जस्ट अंकल, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये लग गया दोनों। अब भी इसका सेटिंग कर लेते हैं दोस्तों, देखिए देखिए इसमें कितना सारा ये दिख रहा है ऐसा, तो अपने को ऐसा नहीं दिखना है ये जो बार बार दिख रहा है। तो इसके लिए अपन सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है ना ये मल्टीप्लेयर, यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइव कर दीजिए, फाइव कर दिया। यहाँ पे SMA की जगह आप करिए SMA, ये कर दिया। इसकी जगह आप MA प्रिंट को कर दीजिए दोस्तों 8 की जगह 16, ये 16 कर दिया। और यहाँ पे जो ऑफसेट फॉर LSM में है ना, सिग्मा फॉर ALM है, इसको आप 6 की जगह 5 कर दीजिए, 5 कर दिया। इसके बाद में आप स्टाइल में जाइए और जो ये नाम वाम दिख रहा है ना इसको सारे को हटा दीजिए दोस्तों, ये मैंने हटा दिया और ओके कर दिया। देखिए अब सब हट गया ना, कुछ नहीं बचा है। अब चलिए नीचे वाले का भी सेटिंग कर लेते हैं अपन, OCC अलर्ट R6 का। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद में इनपुट में जाते हैं। इनपुट में जाने के बाद में दोस्तों सेम ऐसे यहाँ पे जो तीन है तीन रहने दीजिए। यहाँ पे SMA की जगह आप SMA कर दीजिए। SMA करने के बाद में यहाँ पे MA प्रिंट को आपने क्या करना, फाई कर देना, नहीं सॉरी, हाँ फाई कर दीजिए दोस्तों, फाई कर दिया। और नीचे वाला जो लिखा ना आपका, यहाँ पे छः तो छः रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। बस हो गया काम अपना, और कुछ नहीं है दोस्तों, है ना दोस्तों। अभी देख लीजिए इस स्ट्रेटेजी का पूरा सेटिंग हो गया। और अभी देखिए दिखा है, ये डेली फ्रेम में है, इसको आप 5 मिनट में देखोगे ना तो अलग टाइप का दिखेगा, लेकिन काम सेम ही करता है। उसमें क्या अलग अलग इंडिकेटर मिलता रहता है, सिग्नल मिलता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपने को सिग्नल मिला और यहाँ पे बाइंग किया होगा तो देखिए कितना दबा के गया होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिग्नल मिला और उसके बाद में देखिए ऊपर गया। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, जब तक ये ऊपर रहता है ना इसी ओसीसी स्ट्रेटेजी के ऊपर, जब तक बाय ऑन डिप्स में ही रहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने यहाँ पे सिग्नल दिखाया लेकिन यहाँ पे इसने नहीं दिखाया, है ना। और यहाँ पे इसने दिखाया तो इसने नहीं दिखाया, तो ये दोनों का मैच नहीं हो रहा था, अपने को सेल साइड में नहीं जाना है ना। ये ध्यान रखना दोस्तों, दोनों का मैच होना तब भी आप ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हो। दोनों मैच नहीं होता तब तक नहीं लेना दोस्तों। यहाँ पे इसने सेल दिखाया है, यहाँ पे आपने लिया होगा तो छोटा मोटा एसएल हिट कर दिया यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वापस बाई में लिया होगा तो अच्छा खासा कमाया आपने। अब यहाँ पे चलिए दोस्तों,
यहाँ पे इसने सिग्नल दिया, देखिए ये सबसे बड़ा यहाँ पे है जो रिवर्सल का बड़ा बड़ा होता है ना, इसने यहाँ पे सिग्नल देना चालू कर दिया, लेकिन इसने यहाँ पे क्लोज किया तब जाके मिला। और ये ध्यान रखना दोस्तों, जब तक अगर प्राइस ऊपर है तब तक सेल साइड में नहीं जाना अपने को, चाहे प्लीज सिग्नल मिल जाए या दोनों का, लेकिन नहीं जाना जब तक प्राइस नीचे क्लोज करे ना, उसके बाद ही अपने को सेल साइड में जाना। और ऐसा ही सेम इधर दोस्तों, अगर बाई चांस अपने को दोनों ग्रीन कलर में सिग्नल मिल जाए लेकिन प्राइस नीचे क्लोज कर रहा है, तो आप नहीं लेना। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक अपने को बाई साइन में नहीं जाना है। ये रूल्स आप ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे वाला तो पूरा ग्रीन दिख रहा था लेकिन यहाँ पे नहीं मिला सिग्नल, यहाँ पे मिला सिग्नल, तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, नहीं लेंगे। फिर ऐसा अगर बाई चांस मिल जाता कहीं तो फिर बाई ऑन डिप्स में रहिए आप। यहाँ पे भी देखिए सेल का सिग्नल मिला लेकिन अपना ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैच नहीं हो रहा दोस्तों, तो ओपन ट्रेड नहीं लेंगे इसमें। यहाँ पे लगभग समान सेम रूप से मिला दोस्तों, तो यहाँ पे अपन एंट्री ले सकते हैं। ये से ऑलरेडी ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है तो अपन डाउन ट्रेंड में ही लेंगे ना। यहाँ पे बाई साइड का यहाँ पे मिला दोस्तों, लगभग सेम ही मिला लेकिन थोड़ा सा लेट मिला इसमें, इसमें पहले मिल गया। लेकिन इतना रूल्स ध्यान रखना दोस्तों, आप जब तक ऊपर रहता है बाई ऑन डिप्स में रहिए, और नीचे रहता है तब तक आप सेल ऑन राइज में रहिए दोस्तों, है ना। जब तक नीचे मिलता रहता है सेल ऑन राइज, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।